टुनटुनी अपनी सौतेली माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। उसकी माँ की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। उसकी माँ आए दिन टुनटुनी पर अत्याचार किया करती थी, उसे मारा करती थी और घर का सारा काम टुनटुनी से ही करवाती थी। साथ ही अपनी बेटी पिंकी से घर का एक भी काम नहीं करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मुझे सोने की बालियाँ चाहिए, मेरी सहेली की मम्मी ने भी उसे सोने की बालियाँ दिलाई है, आप भी मुझे सोने की बालियाँ दिला दो ना माँ। हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ पर लगे है ना, तेरी माँ यहाँ बहुत सारा पैसा छोड़ कर गयी है जो मैं तुझे सोने की बालियाँ दिला दूँ। माँ दिला दो ना, एक बालियाँ ही तो चाहिए मुझे। अरे जा अपने बाप के पास, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी को सोने की बालियाँ दिलाती, ना कि तुझे दिलाती। टुनटुनी रोती रोती अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा पापा मुझे सोने की बालियाँ चाहिए, मेरी सहेली को उसकी माँ ने सोने की बालियाँ दिलाई है, मुझे भी सोने की बाली दिलाओ ना पापा। अरे सोने की बाली, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, क्या करोगी ये सब पहन कर? नहीं पापा, मुझे सोने की बालियाँ चाहिए तो चाहिए, आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। अरे बेटा अच्छा ठीक है, मैं जब शाम को आऊँगा तुम मेरे साथ चलना, तुम्हें जैसी बालियाँ चाहिए तुम ले लेना, अब तो खुश हो ना बेटा। पापा अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरी सारी इच्छा पूरी करते हो। ऐसे ही टुनटुनी शाम को अपने पापा के साथ एक सुनार की दुकान पर जाती है। टुनटुनी एक जोड़ी कान की बालियां पसंद कर लेती है। टुनटुनी के पापा उसे वो बालियां दिला देते हैं। टुनटुनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अपने पापा के साथ जब वह घर आती है, घर पर आकर वह अपनी सौतेली माँ को बालियां दिखाती है। ये देखो माँ, पापा ने मुझे सोने की बालियां दिलाई है। सोने की बाली जब दिलाना ही था तो दोनों बेटे को दिलाते, तुझे ही क्यों दिलाई उन्होंने? अगर पिंकी ने देख लिया कि तेरे पास सोने की बालियां है तो वो भी रोने लगेगी। अब मैं उसके लिए बालियां कहाँ से लाऊंगी? तू तो बड़ी है और बहुत समझदार है, वो तो तुझसे छोटी है, उसे कैसे समझाऊंगी मैं? तू एक काम कर, अपनी ये बालियां मुझे दे दे, अगर पिंकी रोएगी तो मैं उसे दे दूंगी। लेकिन लेकिन पिंकी ने तो बालियां भी देखी भी नहीं है माँ, वो तो रोई भी नहीं। अरे तू क्या चाहती है कि मेरी बेटी रोए, वो भी तेरी वजह से? देख ये सब बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप ये बालियां मुझे दे दे वरना तेरे कान गरम कर दूंगी। टुनटुनी डर कर कान की बालियां निकाल कर अपनी माँ को दे देती है। वो बालियों को अपने पास ही रख लेती है। टुनटुनी रोते रोते फिर से अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा जो वे बालियां थी वे पिंकी ने ले ली, मुझे दूसरी बालियां दिला दो, मुझे भी बालियां चाहिए। टुनटुनी बेटा अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दूसरी सोने की बालियां दिलवा दूं, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें दूसरी बालियां दिलवा दूंगा, तब तक तुम थोड़े दिन के लिए इंतजार करो। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वे मुझे किसी चीज के लिए मना ना करती और मुझे कहीं से भी सोने की बालियां ला कर देती। आप मुझे प्यार नहीं करते पापा और ना ही माँ प्यार करती है। अरे ऐसी बात नहीं है बच्ची, जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने तुम्हें सोने की बालियां लेकर दी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं तुम्हें अभी फिर से सोने की बालियां नहीं दिला पाऊंगा, और हम इतने अमीर भी नहीं है कि जब मर्जी आए उतना खर्च कर सके, हमें सोच समझ कर चलना पड़ता है बेटा, और जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुम्हें बिना कहे सोने की बालियां ला कर दूंगा। रहने दो पापा, मुझे नहीं चाहिए सोने की बालियां। टुनटुनी रोते रोते अपने घर से निकल जाती है और वो एक जंगल की तरफ चली जाती है। उस जंगल में काफी पेड़ पौधे और नदियां होती हैं। यह सब देखकर टुनटुनी एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता, सब पिंकी से प्यार करते हैं, हे ऊपर वाले क्यों नहीं करता कोई मुझे प्यार। तभी एक पेड़ टुनटुनी से कहता है, क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम पेड़ होकर भी बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं बोल सकता हूँ और तुम्हें सुन भी सकता हूँ। कौन से जादुई पेड़ हो तुम? मैं जादुई सोने के गहने का पेड़ हूँ, मेरे पेड़ पर बहुत से गहने लगे हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारे पेड़ पर तो कोई गहना नहीं लगा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। मेरे पेड़ पर जो गहने हैं वे तुम्हें तभी दिखेंगे जब मैं खुद तुम्हें वे गहने देना चाहूँगा, वरना वे गहने किसी को नहीं दिखेंगे। ऐसा भी है क्या?
लेकिन मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सोने की बालियां चाहिए। तुम कितनी मासूम बच्ची हो। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बालियों के साथ साथ और भी बहुत से गहने दूंगा। तुम्हें भविष्य में जब भी जरूरत हो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। क्या सच में ऐसा है? हाँ सच में, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? वादा ये करोगी कि मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के गहने दूंगा, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, चाहे वो तुम्हारी सौतेली माँ हो या तुम्हारे पापा। ठीक है पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। वो जादुई पेड़ टुनटुनी को अपनी जादुई शक्ति से कुछ सोने की बालियां और कुछ गहने दे देता है। यह सब लेने के बाद टुनटुनी अपने घर आ जाती है। टुनटुनी के कान में बालियां देखकर उसकी माँ उससे कहती हैं, अरे ये सोने की बालियां कहाँ से लेकर आई है तू? ये सोने की बालियां मैं कहीं से भी लेकर आई हूँ, आपको इससे क्या लेना देना, आपने थोड़े दिलाई है मुझे। अब जुबान भी लड़ाएगी तू उससे? नहीं माँ, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, बस मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि मैं ये बालियां कहाँ से लाई हूँ और आपको इससे क्या लेना देना कि ये बालियां मुझे किसने दिलाई। टुनटुनी की माँ को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक डंडे से टुनटुनी की पिटाई करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ अचानक से टुनटुनी के पापा आ जाते हैं और वो टुनटुनी की माँ से डंडा लेकर उसकी पिटाई करने लगते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद टुनटुनी अपने पापा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।